अरे अरे इशिता क्या करी हो, छोड़ो मेरा हाथ यार, छोड़ो ना। चुपचाप चलो ना, इतनी देर से हेल्प नहीं चाहिए, हेल्प नहीं चाहिए, चला जा नहीं रहा है और नखरे तो देखो। छोड़ो मुझे, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं योगा करूँगा, ठीक हो जाऊंगा। योगा? पहले बैठ तो जाओ, फिर करोगे ना योगा, चला तो जा नहीं रहा है तुमसे, हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा कमर में पेन है, बैक पेन हो रहा है बस। तो चलिए मैं बाम लगा देती हूँ। नहीं नहीं, मैंने लगा लिया। अच्छा कहाँ लगाया, स्मेल तो आ नहीं रही है। वो नया वाला है ना, इसमें स्मेल नहीं आती। अच्छा ठीक है, बकवास बंद करो, मैं लगाती हूँ बाम। एक बार फिर रमन और इशिता की मोहब्बत का रिश्ता सामने आया, जहाँ आज रमन को हो रहा है कमर में पेन और इसीलिए जनाब शॉर्ट्स पहनकर दर्द के मारे घर में इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन जब तक इशिता है तो भला रमन को क्या टेंशन। इशिता को जैसे ही पता चला कि रमन मुसीबत में है तो फौरन अपना पत्नी धर्म निभाने आ गई। लेकिन रमन बाबू हैं कि आनाकानी करने से बाजी नहीं आते। देखा बच्चू, आखिरकार काम आया ना डॉक्टर ने बीवी का फॉर्मूला। अब आराम से सो जाइए और शुरू करने दीजिए इशिता को आपकी जासूसी। जैसे ही रमन की आंख लगी तो इशिता ने रमन के मोबाइल को उठाया, लेकिन बेचारी फोन के लॉक को नहीं खोल पाई और इसी बीच रमन बाबू की आंख खुल गई। फिर क्या था, बात का बन गया बतंगड़ और एक बार फिर मियां बीवी के बीच बहस का सिलसिला शुरू हो गया। बेचारी इशिता तो ये सोच रही थी कि रमन उनसे अब भी प्यार करते हैं कि नहीं, और अब तक उनकी पिक्चर्स अपने मोबाइल में सेव करके रखी है नहीं। लेकिन इशिता को क्या पता था कि इनके ये अड़ियल बलमा बात का बतंगड़ बना देंगे। खैर इशिता अपने टूटे हुए दिल को लेकर रमन के कमरे से बाहर तो चली गयी, और जब देर रात तक रमन बाबू घर नहीं लौटे तो मैडम इशिता की टेंशन बढ़ने लगी। फाइनली जनाब आए तो सही, लेकिन लड़खड़ाते हुए मदहोशी की हालत में। जब भी जनाब, रमन इतना ज्यादा नशे में है कि अपने घर का रास्ता तक भूल गए, और जब इशिता ने समझाना शुरू किया तो एक बार फिर बहस का सिलसिला देखने को मिला। थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ी थोड़ी। किसी तरह इशिता रमन को समझा बुझा कर घर के अंदर लेकर आई और शुरू हुए इन दोनों के बीच मोहब्बत के अफसाने। क्या ये जो तेरे मेरे दरमियान है, अनदेखी अनसुनी कोई कम्बक। जब भी इशिता और रमन साथ होते हैं कोई न कोई ट्विस्ट बनकर सामने आ जाता है। एक बार फिर सिम्मी और परम रमन और इशिता की प्रेम लीला में बाधा बन गए। इशिता तुझे जरा भी शर्म नहीं बची ना, इतना ही रोमांस सोच रहा है तो अपने रूम में जाकर करो, इस घर में पापा जी ने सबको बेडरूम दिया है, ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, खड़े हो गए। इसी बीच परम और रमन की थोड़ी सी बहस भी देखने को मिली। देखिए मेरा घर मेरी मर्जी, जो चाहे करो, तू होता करो, रोकने वाला निकल यहां से। घर के बड़े बेटे होने के नाते रमन ने परम को झाड़ लगा दी, लेकिन शायद रमन और इशिता ये नहीं जानते कि परम और सिम्मी मिलकर फिर से लिख रहे हैं ट्विस्ट की नई कहानी। हाँ मतलब हमारा टारगेट घूम फिर के वो इशिता और रमन ही होते हैं, एक्चुअली इशिता होती है, रमन भी नहीं है ना। अब देखते हैं कौन किसका टारगेट बनता है और कौन मारेगा इस ट्विस्ट की लड़ाई में बाजी, देखना दिलचस्प होगा। आज तक ब्यूरो।